Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical. Rajasthan Cooperative Dairy Federation Limited Jaipur RCDF का तरफ से various post के लिए जो recruitment निकल के आया था इसका exam date declare हो गया है और आप लोग का admit का declare हो गया है. और एक चीज़ आप लोग याद रखना, इसका syllabus भी declare हो गया है. डिटेल syllabus आप लोग को क्या रहेगा और instruction क्या क्या रहेगा वो मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा. आप लोग पूरा वीडियो को देखिए. एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक कहाँ से आप लोग को मिलेगा, सब कुछ मैं आप लोग को धीरे धीरे बता दूंगा. कौन सा पोस्ट का कौन सा दिन एग्जाम है, कितना दिन में आप लोग का एग्जाम होगा, सब कुछ मैं बता दूंगा. आप लोग पूरा वीडियो देखिए. जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया हो, सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना. आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सबसे पहले मैं आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाता हूँ. आप देख सकते हैं आरसीडीएफ का मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, तो इसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाएगा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में आने के बाद कॉल लेटर डाउनलोड गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट. जो भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसको कॉल लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा और इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो भी आप लोग को देखना पड़ेगा. इसमें आप लोग का एग्ज़ाम डेट, इसके बारे में हैंडआउट्स, जो सिलेबस है, इंस्ट्रक्शन है, वो आप लोग को मिल जाएगा. तो एक एक चीज़ का मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ. आप देख सकते हैं राजस्थान सरकारी भर्ती बोर्ड जयपुर, तो ये नोटिफिकेशन आरसीडीएफ का तरफ से आया है. एग्ज़ाम डेट के लिए इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा. आप लोगों को टोटल 7 दिन में एग्ज़ाम होगा. ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 31 जुलाई, 2 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17, 18 और 25 अक्टूबर आप लोग का टोटल एग्ज़ाम होने वाला है. तो अलग अलग डे में अलग अलग एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है. जो भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम 31 जुलाई और 2 अगस्त है, इन दोनों में अगर आप लोग का एग्ज़ाम डेट है, अगर इन दोनों में जो भी ट्रेड का एग्ज़ाम डेट है, तो वो सभी स्टूडेंट अपना अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. तो ऑलरेडी 23 तारीख कल से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है. बाकी जो पोस्ट है जैसे 13 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17, 18, 25 अक्टूबर, इसके लिए अभी तक एडमिट कार्ड डिक्लेयर नहीं हुआ है. तो इसका एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आप लोग का एग्ज़ाम होने से पहले एडमिट कार्ड डिक्लेयर हो जाएगा. समझ में आ गया. इसके बाद आप देख सकते हैं कौन सा पोस्ट का कौन सा दिन एग्ज़ाम है. परीक्षा कार्यक्रम या शेड्यूल आप देख सकते हैं. जनरल मैनेजर के लिए आप देख सकते हैं. आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि इतना बड़ा पीडीएफ है, डिस्कस करना उतना पॉसिबल नहीं होता. ओके, तो कौन सा डे कौन सा पोस्ट का एग्ज़ाम है आप लोग देख लेना. तो इसके बाद आप देख सकते हैं 13 तारीख कौन सा पोस्ट का एग्ज़ाम है, 2 अक्टूबर कौन सा पोस्ट का एग्ज़ाम है. इसके बाद आप देख सकते हैं बाकी पोस्ट जैसे फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ये सभी ट्रेड का एग्ज़ाम है 16 अगस्त, ठीक है. इसका बाद आप लोग को देखने को मिल जाएगा असिस्टेंट मैनेजर, तो इसका एग्ज़ाम है 17 अक्टूबर. तो आप लोग इस पीडीएफ को देख सकते हैं. इस पीडीएफ का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा. तो आप लोग इसको डाउनलोड करके अपना अपना ट्रेड या अपना अपना पोस्ट सर्च करके देख लेना, ठीक है. इसका बाद मैं नेक्स्ट ऑफिशियल सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा. आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन हैंडआउट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन. ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के लिए इन्फॉर्मेशन हैंडआउट आप लोगों का सिलेबस एग्जाम पैटर्न दिया है. सबसे पहले जनरल मैनेजर का जो पोस्ट है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल हस्बेंडरी, मार्केटिंग, प्लांट और क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या सिलेबस रहेगा आप देख सकते हैं. प्रोफेशनल नॉलेज से 68 क्वेश्चन आएगा, 68 मार्क्स रहेगा. और आप लोग का क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में होने वाला, 90 मिनट टोटल टाइम रहेगा. और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान आएगा 17 क्वेश्चन, 75 मार्क्स रहेगा, 17 मार्क्स रहेगा, ठीक है. टोटल 85 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है. इसके बाद डिप्टी मैनेजर पोस्ट के अंदर क्या क्या आता है आप देख सकते हैं. फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल न्यूट्रिशन, इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोक्योरमेंट इनपुट्स, कैटल फीड प्लांट, इसके लिए आप देख सकते हो टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा. और आप लोग का इसमें से एक एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहेगा, तो 100 मार्क्स का आप लोग का टोटल एग्जाम होगा, लेकिन 50 क्वेश्चन रहेगा. और 60 मिनट टाइम रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप लोग का एग्जाम होने वाला है. इसका बाद आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर का जो भी पोस्ट इधर दिया है आप लोग देख लेना. इसके लिए भी 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, 60 मिनट टाइम रहेगा.
इसके बाद आप देख सकते हैं सबऑर्डिनेट पोस्ट, तो इसमें जैसे फिटर, वेल्डर जो ऑपरेटर का पोस्ट है, इसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो भी पोस्ट है, ये सभी पोस्ट का 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, एक एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, 60 मिनट आप लोग का एग्जाम टाइम होने वाला है। आप लोग का प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेड से 40 क्वेश्चन पूछे जाएगा, 80 मार्क्स रहेगा, और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 10 क्वेश्चन पूछे जाएगा, टोटल 20 मार्क्स रहेगा। इसके बाद हेल्पर डेयरी वर्कर आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, और प्लांट ऑपरेटर के लिए भी आप लोग देख सकते हैं जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के लिए 40 मार्क्स रहेगा, और सिंपल एरिथमेटिक आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा। तो ये सिलेबस है, और किस टाइप का आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे लेक प्लेस इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। इसका बाद आप देख सकते हैं बार्ड सेंचुरी कहाँ पे है राजस्थान में, तो ये राजस्थान का जीके का अंदर आता है। इसके बाद हिंदी में आप लोग का जो भी स्टूडेंट का हिंदी सब्जेक्ट है वो भी आप लोग को हिंदी पढ़ के जाना पड़ेगा। ओके, तो इसका बाद इसका डिटेल्स इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं ऐसा कुछ क्लियर इसमें नहीं किया है, तो ये हैंडआउट का भी PDF में आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। इसका बाद मैं आप लोग को बताऊंगा एडमिट कार्ड कौन सा लिंक पे जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, इसका बाद आप देख पाएंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा, तो लिंक पे क्लिक करके सीधा आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पेज में आ जाएंगे। तो सबसे पहले लॉग इन क्रेडेंशियल ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा हिंदी में या इंग्लिश में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इंग्लिश में सिलेक्ट कर लें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर जो आप लोगों का मेल आईडी पर या एप्लीकेशन फॉर्म पर अवेलेबल है वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको देना पड़ेगा जो आप लोग का पासवर्ड होने वाला है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे देना पड़ेगा, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 05/07/1998, तो ऐसे हमको देना पड़ेगा। सबसे पहले डेट देना पड़ेगा 05, इसके बाद हाइफ़न देना पड़ेगा, उसके बाद 07 मंथ दिया, इसके बाद हाइफ़न जो ईयर होता है 4 डिजिट का होता है उसका लास्ट 2 डिजिट आपको देना पड़ेगा, जैसे मेरा 1998 तो जस्ट 98 हम दूंगा। किसी का अगर 2005 सोचो तो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा, डेट ऑफ ईयर हो जाएगा जस्ट 05 हो जाएगा, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट आपको देना पड़ेगा। इसका बाद कैप्चा देने के बाद लॉगिन करने के बाद आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो ये था आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। तो मेरा पास इसका लॉगिन आईडी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करके नहीं दिखा पाया। अगर आप लोग लॉगिन कर लेंगे तो आप लोग इजीली अपना अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन पॉइंट था मैं आप लोग के साथ शेयर कर दिया हूँ। वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।